आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन भुना मसाला की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये रेस्टोरेंट में मिलने वाले चिकन भुना मसाला से कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। सबसे पहले हमने यहाँ लिया 750 ग्राम चिकन, इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, साथ ही डाला है सरसों तेल। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मसालों की एक अच्छी कोटिंग चिकन पे हो जानी चाहिए। इस तरीके से हमने चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। इस रेसिपी के लिए हमने सरसों का तेल यूज़ किया है। साथ ही डालेंगे खड़े मसाले, अदरक लहसुन और हरे मिर्च का पेस्ट। अच्छी तरीके से भून लेना है। यहाँ भून लेने के बाद हमने इसमें डाला है 4 से 5 कटे हुए प्याज। प्याज को भी हमने गोल्डन होने तक पका लेना है। प्याज को हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकने दिया है। प्याज को हमने हाई फ्लेम पे पकाया है ताकि एक अच्छा मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। इस तरीके से प्याज को बढ़िया तरीके से पकने देना है। ये देखिए प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। फिर यहाँ हमने डाला है मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से चिकन को मिक्स करके हमें इसे कम 15 मिनट के लिए पकने देना है। गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो रख सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। फिर हमने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही डाला है धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और चिकन मसाला। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स कर ले ताकि मसाले चिकन में अच्छी तरीके से मिल जाएँ। हमने इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 5 से 7 मिनट तक पकने दिया है। इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ढक कर 5 मिनट तक पकने देना है। चिकन लगभग तैयार हो गया है। लास्ट में हमने इसमें धनिया पत्ता डालकर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसे हमने सर्व किया है गर्मा गर्म। ये देखिए कितना टेस्टी चिकन भुना मसाला बनकर तैयार हुआ है। ये सूखा होता है इसलिए हमने इसे सर्व किया है पराठे के साथ। आप रोटी या कचौड़ी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस चिकन भुना मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।